हम फूड कोर्ट से बाहर आ गए हैं, तो अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 3 घंटे करीब हो गए हैं आज हमको, तो सारा अभी हम पूरा कवर नहीं कर पाए हैं इसको, लेकिन धीरे धीरे कल और परसों 2 दिनों के अंदर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं देखने लायक हैं, प्रकृति की जो देन है वो आप यहीं पर देख सकते हैं। देखिए ये देखिए सारी वेजिटेबल नर्सरी आपका, सब हर तरह के पेड़, देखिए लौकी पेड़, टमाटर पेड़, मिर्च का पेड़, हर तरह के देखिए पेड़, फूलों के पेड़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ है यहाँ पर, जिसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या बात है, गजब, बहुत सुंदर। ये देखिए ये देखिए चलिए अब लास्ट में आ गए हैं हम अंतिम, बाकी फिर कल देखते हैं। आज पहला दिन था तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। दिस इज एग्जिट गेट और वसंता था उत्सव, दिस वॉज द एंट्री गेट। सुबह हमने जिस गेट से एंट्री की थी ये हमारा एंट्री गेट है, तो यहाँ पर हमारे जो गवर्नर हैं वो निवास करते हैं। सिर्फ साल में आप इसको सिर्फ 3 दिन ही है जो है आम जनता के लिए खोला जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सिर्फ यही 1-3 दिन है जिसके अंदर आप इस राजभवन में दर्शन कर सकते हैं इस पूरे वर्ष के अंदर। चलिए इसी के साथ जो है हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है व्यूअर से, जो भी इसको देख रहे हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, बस आपके प्यार और प्रशंसा की आवश्यकता है। धन्यवाद।